जैसा कि हमने देखा कि एक बार फिर से लॉकडाउन लग गया है, तो लॉकडाउन में लोगों के जैसे उनके इशूज़ थे, डे टू डे एक्टिविटी चल रही थी, पहले डेली बेगर्स थे, रोज़ कमा के पैसे कमाते थे, लेकिन अब सारे घर पे बैठ गए हैं तो बिजनेस ऑलमोस्ट सभी का ठप हो गया, स्कूल्स भी बंद हो गए। तो इस दौर में उनके जो मेंटल हेल्थ है, जो दिमागी स्थिति है, वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। जैसे मैं यहाँ पे बिलासपुर में बैठता हूँ ओपीडी में, तो पहले भी हमारे पास काफ़ी मरीज़ आते थे नशे वाले, दिमागी कंडीशन जिसकी ठीक नहीं थी वो भी आते थे। तो अब मैंने देखा है कि लॉकडाउन में फिर से पिछले साल की तरह ही दोबारा से हमारे पास केस बढ़ने शुरू हो गए हैं, मेंटल हेल्थ के भी और नशा निवारण के भी। तो मैं तो आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि क्या क्या मेंटल कंडीशन है जो आपकी थोड़ी ठीक नहीं चल रही हैं। जैसे आप बार बार न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि इतने लोगों को कोरोना हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, तो आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जैसे ये लोग ऐसे इनकी डेथ हो रही है तो हमारे साथ भी ऐसा जाएगा। उसमें आपको इतना स्ट्रेस होता है कि उस स्ट्रेस को आप सहन नहीं कर पाएंगे, आपका काम में ध्यान नहीं लगेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप बेचैन हो जाएंगे, आप एकदम डर जैसे जाएंगे, और उसी डर की वजह से आपकी मानसिक जो स्थिति है वो एकदम ख़राब हो जाती है ना। तो ये जो मेन है हमारा कि उनकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाता है, और उस एंग्जाइटी लेवल की वजह से ही मानसिक संतुलन जो है उनका बिगड़ जाता है। तो यही हमारे यही मरीज़ हमारे पास आजकल बढ़ रहे हैं हमारी ओपीडी में।